गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव अ डिस्कशन ऑन डिफरेंट मेथड्स ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस the different physical properties of haloalkanes and haloarenes. Students, you are familiar with the physical properties of substances. You have the idea about ki what are the different physical properties of the substances. Students, properties like smell, color, states, between melting point and boiling point, solubility, density, these are said to be the physical properties of substances. Now today we have to take all these physical properties of haloalkanes and haloarenes and we have to arrange these halo compounds in increasing or decreasing order of these physical properties. Students, at first let us consider the color. Students, color ke bare mein agar main aapse baat karun तो जितने हमारे एल्किल हैलाइड्स हैं वो सारे के सारे कलरलेस सब्सटेंसेस हैं. बट जो हमारे ब्रोमाइड्स हैं और जो हमारे आयोडाइड्स हैं, दीज आर व्हेन एक्सपोज्ड इन लाइट इम्पार्ट ए डेफिनेट कलर. सो पहली बात ये दिमाग में रखिए कि सारे एल्किल हैलाइड जितने भी हमारे पास हैं ऑल आर कलरलेस सब्सटेंसेस. बट स्पेसिफिकली जब ब्रोमाइड और जो आयोडाइड्स हैं, व्हेन दीज एक्सपोज इन लाइट दीज इम्पार्ट ए डेफिनेट कलर. स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस लेट अस कंसीडर द स्मेल. स्टूडेंट्स, जितने सारे हमारे हेलो कंपाउंड्स हैं, जितने हेलो डेरिवेटिव्स हैं, जो वॉलेटाइल हैं, इम्पॉर्टेंट बात भी ये है कि ऑल द वॉलेटाइल हेलो डेरिवेटिव्स, हेलो कंपाउंड्स आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस. स्टूडेंट्स, देयर आफ्टर टेक द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ हेलो डेरिवेटिव्स एंड दिस इज स्टेट्स और फेजेस ऑफ. स्टेट्स आर फेजेस. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस की थ्री फेजेस हो सकती हैं. लिक्विड हो सकती है, गैसियस हो सकती है, सॉलिड हो सकती है. बट स्टूडेंट्स, जो फेजेस होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका जो सब्सटेंस जिसकी फेज की बात आप कर रहे हो उसमें जो नेचर ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वो किस तरह का है. और नेचर ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज के बारे में आपने क्लास 11th में जो स्टेट्स ऑफ मैटर वहाँ पे आपने बात करी थी. स्टूडेंट्स, अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम कह सकते हैं
कि बेटे हमारे पास जो मेथिल ब्रोमाइड है, मेथिल जो आयोडाइड है, आयोडाइड है जो एथिल क्लोराइड है, और जो क्लोरो फ्लोरो मेथेन्स हैं, क्लोरो फ्लोरो मेथेन्स जो हैं स्टूडेंट्स, इन जो सेट ऑफ कंपाउंड्स हैं इनकी रूम टेम्परेचर पर जो स्टेट होती है, जो फेज है, वो गैसियस होती है। पता है सब्सटेंस अगर गैसियस फेज में है, इसका उसमें जो ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ वीक है स्टूडेंट्स। बट आप अगर क्या करोगे, अपने हेलो कंपाउंड्स में, हेलो डेरिवेटिव्स में अगर कार्बन का नंबर आप बढ़ाते जाओ, मतलब मोलर मास इंक्रीज करते जाओगे इसके बियॉन्ड, इन कंपाउंड के मोलर मास के बियॉन्ड, तो जो हायर मेंबर्स आपको मिलेंगे उनकी जो स्टेट्स होगी, उनकी जो फिजिकल स्टेट होगी, वो या तो लिक्विड होगी या तो सॉलिड होगी। दिस ट्रांजिशन इन फेजेज ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स अकर ड्यू टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड हियर। स्टूडेंट्स आफ्टर दिस लेट अस टेक योर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स जैसे आपने बात करी थी अभी कि आपके सब्सटेंसेस के स्टेट्स को उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिसाइड करता है, लाइकवाइज हमारे जो सब्सटेंसेस हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी बेटा उसमें जो प्रेजेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो डिसाइड करता है। द पैरामीटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो डेरिवेटिव्स और अदर ऑर्गन कंपाउंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। स्टूडेंट्स हमको पता है, हमने आपसे बात इस पर करी है कि जो हमारे एल्किल हैलाइड जो हैं, हमारे जिन कंपाउंड की बात हम कर रहे हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक इसका नॉन पोलर पार्ट जो कि हाइड्रोकार्बन पार्ट है, और दूसरा पार्ट इसका पोलर पार्ट है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो अगर तो इसका मतलब हमारा जो सब्सटेंस है उसके अंदर उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो दो तरीके का है। एक वंडरवॉल्स फोर्स है जो कि उसके हाइड्रोकार्बन पार्ट के बीच एक्ट करता है, और दूसरा जो फोर्स है जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो उसके पोलर पार्ट के बीच वो एक्ट करता है। इट मीन्स जो नेट जो फोर्स एक्ट कर रहा है किसी एक हेलो डेरिवेटिव में वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। मतलब जो हमारे हेलो डेरिवेटिव्स हैं दीज आर बाइंडेड टुगेदर विद द रिजल्टेंट ऑफ वन डर वाल्स फोर्स एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस ऑपरेटिंग इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आप समझ सकते हो कि आपका अगर सेम मोलर मास का हाइड्रोकार्बन लिया जाए और कोई हेलो कंपाउंड लिया जाएगा, तो जो आपका हेलो कंपाउंड होगा
that must have higher melting point and boiling point, students. Boiling point. So, students, in order to systematize the study of melting point and boiling point of halo compounds, let us divide the case of melting point and boiling point into following cases. Students, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आपको ऐसे कंपाउंड दे रहे हैं जिनमें एल्किल ग्रुप सेम है लेकिन जो हैलो ग्रुप प्रेजेंट है वो सारे डिफरेंट हैं। स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन में जब आपको इस तरह की सिचुएशन दी हो, व्हेन द कंपाउंड हैव द सेम एल्किल ग्रुप बट हैव द डिफरेंट हैलो ग्रुप, दिस इज केस वन। ये पहला केस है। मान लो आपको हमने मेथिल फ्लोराइड दिया, मेथिल क्लोराइड दिया, मेथिल ब्रोमाइड दिया और मेथिल आयोडाइड दिया और आपसे कह दिया अरेंज दिस कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए तो ऐसी सिचुएशन में जब एल्किल ग्रुप सेम होगा, हैलो ग्रुप डिफरेंट होंगे, तो जो हैलो ग्रुप की जो साइज है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डिसाइड करती है। अगर हैलो ग्रुप आपका बड़ा होगा तो मॉलिक्यूलर साइज बड़ी होगी, मॉलिक्यूल की सरफेस एरिया बड़ी होगी। सरफेस एरिया बड़ी होगी तो नो डाउट इसमें जो ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ हायर होगी, स्ट्रांग होगी। तो पीरियोडिक ट्रेंड को अगर आप देखिए तो आपके हिसाब से फ्लोरो कंपाउंड की साइज सबसे छोटी, आयोडाइड की आयोडो कंपाउंड की सबसे ज़्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप बात करोगे तो कहोगे इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है वो सबसे वीक है, जबकि इसमें जो है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सबसे स्ट्रांग है, और इनमें जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं डेफिनेटली उनकी स्ट्रेंथ इन दोनों के बीच की है। तो स्ट्रेंथ्स अगर आप अरेंज करोगे तो पक्का आप क्या देखोगे कि जो मेथिल फ्लोराइड होगा दैट शुड हैव द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, वेयर द मेथिल आयोडाइड शुड हैव द हाइएस्ट वन। स्ट्रेंथ्स इसी तरह से आप मेथिल की जगह कोई एल्किल ग्रुप ले लें, दैट वी हैव आर एफ हियर, दिस इज आर सी एल हियर, आर बी आर हियर और आर आई हियर, तो आपको जो ट्रेंड पहले मिला था वही इस केस में मिल जाएगा। अगेन यू हैव द सेम जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इन दिस केस ऑल्सो हियर। आप यहाँ पर एल्किल ग्रुप कोई भी ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द केस ऑफ आवर डिस्कशन अबाउट दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेटेस्ट केस टू, दूसरा केस ले रहा हूं। इस केस में स्टूडेंट्स हम आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स लेंगे, एल्किल हैलाइड्स के चेन आइसोमर्स बनाएंगे और उन चेन आइसोमर्स के को आपको क्या करना है, उनके बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए हम ब्यूटिल ब्रोमाइड एज द एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। तो आपको अगर थोड़ी 11th की आइडिया स्टूडेंट्स पता हो तो आपको पता है कि जो ब्यूटिल ब्रोमाइड होगा उसके थ्री चेन आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। इट इज द थ्री चेन आइसोमर्स। स्टूडेंट्स, एक जो चेन आइसोमर होगा वो आपका ये होगा, दूसरा ये होगा और स्टूडेंट्स एक तीसरा जो चेन आइसोमर बनेगा
वो CH3 CBr CH3 CH3, दिस इज हियर, ये थर्ड चेन आइसोमर आपका होगा। स्टूडेंट्स अगर देखा जाएगा तो इनकी बात अगर मैं आपसे करूं तो जो चेन आइसोमर्स आपके पास मिल रहे हैं बेटे, उनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करी जाए तो इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करने से पहले आप क्या करो, पहले इनमें ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्स की स्ट्रेंथ को थोड़ा आप समझने की कोशिश करो। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब किसी आइसोमेरिक कंपाउंड में चेन की एक्सेस बनती है तो आपका जो कंपाउंड है दैट एक्वायर्स स्फेरिकल शेप ड्यू टू चेंज इन द शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम नॉर्मल टू स्फेरिकल। कंपाउंड की जो सरफेस एरिया होगी वो डिक्रीज करेगी, अगर ये डिक्रीज करेगी तो पक्का है इंटरमॉलिक्युलर फोर्स वीक होता जाएगा। जैसे आप देखो अगर हम इसको कहें तो हमारा ब्यूटिल ब्रोमाइड है, नॉर्मल स्टेट चेन है ये, इसकी बात करेंगे तो कहेंगे 2-ब्रोमो ब्यूटेन है ये, और इसको स्टूडेंट्स करेंगे तो टर्शरी हमको इसको ब्यूटेन बोलेंगे, टर्शरी ब्रोमो ब्यूटेन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो कि इसकी सरफेस एरिया मैक्सिमम होगी, इसकी उससे कम होगी, और सबसे कम सरफेस एरिया इसकी होगी। अगर ऐसी होगी तो नो डाउट जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए उसकी वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए, इसकी उससे कम होनी चाहिए, और सबसे कम वैल्यू इसकी होनी चाहिए। ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स, इसको आप एक डेटा से भी आप इसको सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि बेटे इसके जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू 375 केल्विन मिलती है, इसकी 364 केल्विन मिलती है, और इसकी जो वैल्यू मिलती है 346 केल्विन मिलती है। ऑब्वियसली ये जो ऑब्जर्वेशन है डेफिनेटली इस डाटा से ये देखो ये आपको सपोर्ट इसको मिल रहा है कि दैट अवर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सब्सटेंस इज करेक्ट इन द लाइट ऑफ द स्टैंडर्ड डेटा गिवन हियर। स्टूडेंट्स नाउ एक और केस की बात करिए, दिस इज द केस ऑफ हेलोएरिन। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हमारी डाई हेलोबेंजीन्स होती हैं, जो डाई हेलोबेंजीन है मतलब बेंजीन की जो डाई हेलो डेरिवेटिव्स हैं उनके थ्री पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं। एक को आप बोलते हो आर्थो, इसके लिए 11th की आइडिया इम्पॉर्टेंट है, दूसरे को पैरा, तीसरे को मेटा बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये इनके पोजीशन आइसोमर्स हैं। अगर मैं आपको कहूं कि डाइक्लोरोबेंजीन, स्टूडेंट्स डाइक्लोरोबेंजीन अगर आप लोगे तो आपसे कोई बात करे कि कितने इसके पोजीशन आइसोमर्स होंगे तो आप कहेंगे 3 पोजीशन आइसोमर्स होंगे। स्टूडेंट्स एक जो पोजीशन आइसोमर्स है आइसोमर होगा उसको आर्थो बोलेंगे, दूसरे को आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे, अगले को पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे, नेक्स्ट को आप मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स पता हो और उनके पोजीशन आइसोमर्स आपको दिए हों तो स्टूडेंट्स एक बात साफ आपको समझनी चाहिए कि ये जो पोजीशन आइसोमर्स हैं ये बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं करते हैं। मतलब हैलो ग्रुप की पोजीशन अगर बेंजीन पर आप चेंज करेंगे तो उस चेंज के थ्रू ये जो सब्सटेंसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा
वो इफेक्ट नहीं होता है, दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दिस डज नॉट चेंज। स्टूडेंट्स अगर आपको देखना हो तो देखो, इसकी जो वैल्यू होती है 453 केल्विन होगी बॉइलिंग पॉइंट की, इसकी 446 होगी, ये 448, दे आर नियरली इक्वल। ये बता रहा है कि सब लगभग सेम है। तो अगर आपको पोजीशन आइसोमर्स पता हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज करना हो तो कहेंगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल द आइसोमर्स शुड बी नियरली इक्वल। बट स्टूडेंट्स अगर ये आपके जो पोजीशन आइसोमर्स हैं ये सॉलिड सब्सटेंसेस हों, तो अगर आपको बेटे मैं बात करूं आपसे तो थोड़ा सा मैं आपकी स्ट्रक्चर लिखता हूं। मान लो आपके पास यही मैंने दिया, एक ये आर्थो हो गया, ये आर्थो हो गया, ये आपका मेटा हो गया और ये आपका पैरा हो गया, दिस इज पैरा हो गया। ये अगर इफ दीज सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर होगी इट इज मोर सिमेट्रिकल इन कंपेरिजन टू द अदर स्ट्रक्चर्स, अदर पोजिशन आइसोमर्स। पता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के नाते इसके अपने क्रिस्टल में जो पैकिंग होगी ये ज्यादा फर्म होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी। ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ दिस सब्सटेंस विच इज ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सब्सटेंस इज फाउंड टू बी हाइएस्ट हियर। स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप इसको कह सकते हो कि इसका जो बॉइलिंग ये आपको मिलेगा मेल्टिंग पॉइंट आर्थो का 256 केल्विन, इसका जो मिलता है 249 केल्विन, और स्टूडेंट्स इसका जो मिलेगा वो 323 केल्विन। तो ये साफ बताता है कि यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है, और डिफरेंस इसलिए अराइज हुआ है क्योंकि इन सब्सटेंसेज, इन सॉलिड सब्सटेंसेज की जो क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग है, जो फर्म पैकिंग है, क्लोज पैकिंग मतलब जो जिस स्टेंट के साथ वो क्रिस्टल में अपना वो पैक जैसे हुआ है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होने के नाते इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट की वो जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू होगी दैट इज फाउंड टू बी हाईएस्ट अमॉन्ग आर्थो डाइक्लोरो डेरिवेटिव मेटा डाइक्लोरो डेरिवेटिव एज वेल एज द दैट इज इन दिस वन हियर पैरा डाइक्लोरो डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स आफ्टर दिस डिस्कशन लेट अस टेक अनदर इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो कंपाउंड्स, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज दैट इज सॉलिबिलिटी। स्टूडेंट्स यू आर फैमिलियर विद द टर्म सॉलिबिलिटी, यू हैव लर्न्ड अबाउट द टर्म सॉलिबिलिटी इन क्लास 11। क्लास 11 में जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की बात आपने करी थी। बट यहाँ सिंपल सेंस में बेटे समझो कि किसी सब्सटेंस की सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी है, जो उसका जो मास जो डिसॉल्व होता है उससे हमारा मतलब है। स्टूडेंट्स आपको बताएं अगर तो हम लोगों ने किसी सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी के लिए दो तरह के तरीके अडॉप्ट किए थे। जैसे आपको मैं कहूं कि आपका ये जो कंपाउंड है हैलो डेरिवेटिव्स जो हैं, जो हैलो कंपाउंड्स हैं, इनकी आप बताइए वाटर में सॉलिबिलिटी कैसी होगी और किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉलिबिलिटी कैसी होगी।
जैसे बेटे अल्कोहल में पूछो सॉल्बिलिटी होगी कि नहीं होगी, ईथर में होगी कि नहीं होगी, बेंजीन में होगी कि नहीं होगी, सो ऑन सो। तो हमारे डिस्कशन में भी बात में ही करेंगे बेटे, हमारा जो हेलो कंपाउंड है उसकी सॉल्बिलिटी बेटे हम इन दो सॉल्वेंट में हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके दो प्रिंसिपल हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल वो हम आपको बताते हैं कि जो आपके बुक में डिस्कशन में है वो ज़्यादा अच्छे से समझने की उसी की कोशिश करिए बेटे। वो ये बताता है कि जब आप अपने हेलो कंपाउंड को जब आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो आपके कंपाउंड में जो प्रेजेंट इंटरमॉलिक्युलर फोर्स होता है वो ब्रेक होता है, और आपके सॉल्वेंट के बीच जो प्रेजेंट इंटरमॉलिक्युलर फोर्स वो भी ब्रेक होता है। ब्रेक होकर के एक थर्ड काइंड का बेटे वहां पर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। जैसे हम आपसे बात करें कि मान लो बेटे एल्किल हैलाइड है, आपको वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी देखनी है, तो पता बेटे जो ये जो है हमारा जो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में वो एक इंटरमॉलिक्युलर फोर्स प्रेजेंट है, और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब आप इसको बेटे इसमें ऐड करोगे एल्किल हैलाइड को, तो क्या होगा, इसका इंटरमॉलिक्युलर बॉन्ड वो जो प्रेजेंट है वो ब्रेक होगा, इसमें जो प्रेजेंट हाइड्रोजन बेटे बॉन्ड है जो कि वाटर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है वो ब्रेक होगा। फिर इसके ब्रेक होने के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन में एक नया तरंग का फोर्स बेटे वो बनेगा किसके किसके बीच में, एल्किल हैलाइड और H2O के बीच में ये बनेगा। एक तो बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, ये बॉन्ड की एक इसके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट था वो ब्रेक हुआ, इसके बीच में जो प्रेजेंट था वो ब्रेक हुआ, और एक थर्ड काइंड का जो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स वो एग्जिस्टेंस में आया। स्टूडेंट्स, अगर ये फोर्स जो एग्जिस्टेंस में आया, अगर इसके फॉर्मेशन में जो रिलीज एंथैल्पी होती जो होगी, अगर इसमें इसके ब्रेकिंग में जो यूज एंथैल्पी अगर हायर हो जाएगी तो पक्का बेटे ये सब्सटेंस में डिसॉल्व कर जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल। आप दोबारा समझो, जैसे बेटे क्या हुआ कि देखो ये आपने एल्किल हैलाइड लिया और ये वाटर मॉलिक्यूल आपने लिया, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूल जो फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके बीच में जो फोर्स बेटे मान लो वैन डेर वाल्स है। जब आप इसको डिसॉल्व करोगे तो ये बॉन्ड इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा और एक नया तरंग का बेटे फोर्स सॉल्यूशन में बनेगा, वो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आएगा, वो इंटरमॉलिक्युलर इंटरेक्शन वहां फॉर्म होगा। पता है इन दोनों जो ब्रेकिंग की प्रोसेस में एनर्जी यूज की जाएगी, ब्रेक करना आपको है तो यहां एनर्जी यूज होगी, जबकि जब ये नया कण का जो यहां पे बॉन्ड बनेगा उसमें एनर्जी रिलीज होगी। इफ द रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ एनर्जी यूज इन द ब्रेकिंग ऑफ बिटे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स प्रेजेंट बिटे सॉल्वेंट एंड योर सॉल्यूट हियर, नो डाउट योर सब्सटेंस शुड बी सॉल्वेबल इन बिटे इन दिस कंपाउंड। बट आपको बताएं कि जब बेटे आप वाटर यूज करते हो, वाटर में एल्किल हेलो कंपाउंड की आप सॉल्युबिलिटी देखते हो, तो इसमें जो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है इस केस में इट इज फाउंड टू बी लेस देन द एनर्जी यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल एज वेल एज द एल्किल हैलाइड। सो आप समझ सकते हो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो हमारे सब्सटेंसेस हैं एल्किल हैलाइड बेटे, ये क्या होते हैं, वो उनकी जो सॉल्युबिलिटी बड़ी कम होती है, इट फाउंड टू बी बेटे नियरली इनसॉल्युबल, कह सकते हैं वेरी स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। दीज आर इधर क्या होगा बेटे, इनसॉल्युबल आर दीज हैव वेरी स्मॉल सॉल्युबिलिटी इन वाटर हियर। एक बात और समझ सकते हो, अब बेटे दूसरी बात क्या समझोगे कि अब आप मोलर मास जब बढ़ाते जाओगे, एल्किल ग्रुप बढ़ा लेते जाओ, तो पता है बेटे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता चला जाएगा,
हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, सॉरी हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होने के नाते ऑब्वियसली क्या होगा बेटे, जैसे जैसे आप कार्बन की लेंथ बढ़ाते जाओगे, हाइड्रोकार्बन की चेन सॉलिबिलिटी बेटे और कम होती और कम होती चली जाएगी। सो यूजिंग दिस आइडिया यू कैन एक्सप्लेन कि वाई बेटे एल्किल हैलाइड्स हैव लेस सॉलिबिलिटी इन वाटर एंड वाई द सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन बेटे लेंथ ऑफ कार्बन चेन है, अदर हाइड्रोकार्बन पार्ट बेटे ऑफ एल्किल हैलाइड। बट स्टूडेंट्स इसके बियॉन्ड जरा सोचो, अगर हम लोग इसको ले लें, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ले लें, तो ऑर्गेनिक में क्या होता है बेटे, जैसे आपको सॉलिड मैंने दे दिया एल्कोहल, हमने आपको ईथर दे दिया, तो पता ये इसके बारे में जानो आप, एल्कोहल दे दिया, ईथर दे दिया बेटे, बेंजीन भी सॉल्वेंट की तरह एक्ट करती है बेटे, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आप ले सकते हो, CCl4 को भी ले सकते हो, दीज आर द बेटे सेट टू बी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इन सॉल्वेंट का जब आप यूज करते हो तो सुनो, यहाँ भी क्या होता है बेटे, जो सॉल्वेंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स वो ब्रेक होता है, जो सॉल्यूट का इंटरमोलिकुलर फोर्स बेटे वो ब्रेक होता है, लेकिन जो नया फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है बेटे वो क्या होता है, इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एल्किल हैलाइड के बीच में होता है, लेकिन इस नए बॉन्ड बेटे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो एग्जिस्टेंस में आया, इसमें जो रिलीज एंथैल्पी है इट फाउंड टू बी मोर देन एंथैल्पी यूज्ड इन द बेटे ब्रेकिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर प्रेजेंट इन सॉल्वेंट एज वेल एज द सॉल्यूट हियर। तो दैट इज वाई आप क्या कहोगे कि आप जो है ये, अगर आप इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉलिबिलिटी की बात करोगे तो दीज सब्सटेंसेज आर फाउंड टू बी हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सो बेटे कंक्लूजन क्या आप ड्रॉ करोगे कि ये जो हमारे हेलो कंपाउंड्स हैं दीज आर हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट आर वेरी लेस आर बेटे इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट इज वाटर इज अ सॉल्वेंट हियर। बट बेटे इस केस में भी आप वही देखोगे कि जब आप एक्सेस बेटे हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ाते जाओगे तो आपकी क्या सॉल्युबिलिटी बेटे धीरे धीरे करके गिरती जाती है, कम होती जाती है। सो स्टूडेंट्स तो दीज आर द डिस्क्रिप्शन, दीज आर द एक्सप्लेनेशन फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्की हेलो डेरिवेटिव्स। थैंक यू।